नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। आज हम बात कर रहे हैं बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये जो सोच वाला विचार है, ये मनुष्य को, प्राणी मात्र को अपनी करंट पोजीशन से कहीं आगे ले जा सकता है, रास्ता दिखा सकता है। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो तो आपको अपनी सोच के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपकी सोच बड़ी होगी, जैसे आपकी सोच तेज होगी, जैसे आपकी सोच गहराई वाली होगी, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। तो अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, जीवन में आपको खुशियां पानी है, तो आप ये वीडियो अंत तक सुने, ध्यान से सुने, और आप की प्रतिक्रिया या आपकी जो फीडबैक है, आप इसके ऊपर कमेंट्स में लिखें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये बुक लिखी, ये एक बुक के आधार पे मैंने ये वीडियो बनाया है। बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, और इसको लिखा है डॉक्टर डेविड स्क्वार्ट्स ने। और उनका एक मंत्र है कि सक्सेस इज डिटरमाइंड नॉट सो मच बाय द साइज ऑफ वंस ब्रेन एज बाय द साइज ऑफ वंस थिंकिंग। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको सक्सेस पानी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका दिमाग कितना बड़ा है। सक्सेस उसी को मिलती है जिसकी थिंकिंग, जिसकी सोच बड़ी है। और उन्होंने इस वीडियो में, इस बुक में छः पार्ट लिखे हैं, छः पार्ट में डिवाइड किया है। तो उसको मैं एक एक करके बारी बारी से आपके समक्ष रखता हूँ। पहला वो कहते हैं कि हाउ टू डिफीट डिसबिलीफ एंड द नेगेटिव पावर इट क्रिएट्स। डिफीट डिसबिलीफ, डिसबिलीफ मतलब एक भरोसा ना होना, एक अपने आप में एक सक्षमता ना होना, और इस तरीके की मानसिकता को हमें डिफीट करना है। ये मानसिकता क्या करती है, अपने आप में नेगेटिव पावर क्रिएट करती है आपके अंदर। अब डिसबिलीफ, जैसे पहला उन्होंने बताया बहाने। अब बंदे जो हैं वो बहाने बनाने में मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम आर चैंपियंस। अब तबीयत के बारे में बहाने बनाओ, अपनी इंटेलिजेंस के बारे में बहाने बनाओ, अपनी एज के बारे में बहाने बनाओ, अपने लक के बारे में बहाने बनाओ। अब आप ये चार या पांच एग्जांपल दिए हैं बहाने के, लोग तो कई लेवल पे पहुंच जाते हैं बहाने बनाने। अब जो बहाने बनाते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो उतने ही दायरे में रह जाते हैं। सो मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है कि आप बहाने ना बनाएं। दूसरा है डर। अब डर जो है वो अगेन किसी भी चीज का आप डर अपने मन में बिठा सकते हो। डर है क्या? डर जो 99% होता है वो आपके दिमाग में होता है कि मैं ये करूँगा तो ये क्या होगा, मैं वो नहीं करूँगा तो वो क्या होगा, मैं यहाँ इससे ये बात कर लूँगा तो क्या होगा, मैं वहाँ से वो बात नहीं करूँगा तो क्या होगा, मैं अगर एग्ज़ाम दूंगा, एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया तो डर क्या होगा, मैं गाड़ी चलाते हुए सीख रहा हूँ, मुझे ड्राइविंग टेस्ट में अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा। इस तरीके का डर आपके मन में है, और मन के बाहर, आपके बाहर ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, ये पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकती है। तो डर को तोड़ने के लिए, डर को हटाने के लिए, डर को दिमाग से भगाने के लिए एक ही चीज इफेक्टिव है, और वो है एक्शन। एक्शन रिमूव्स द फियर। ठीक है, अब इसके बाद है अनलॉक एम्बिशन। अब एम्बिशन मतलब आपकी डिज़ायर हो गई, एम्बिशन मतलब आपकी एक इच्छा हो गई, एस्पिरेशन हो गई, और ये इच्छा या एम्बिशन को दबा के रखना ये अपने आप में एक क्राइम है। अब इच्छा को, अपेक्षा को आपने दबा के रखा तो आप
डिप्रेशन में रहोगे, आप का फोकस नहीं होगा, आप जो चीज़ है नहीं, जैसे कंपटीशन हो गया या कोई कोई एक जो स्ट्रेस है वो होगा नहीं, वो आप अपने आप में दिमाग में ले रहे हो। तो वो ये जो फीलिंग है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये बहुत गलत है, इसको आपने दिमाग में नहीं लेना चाहिए। सो पहली चीज़ जो ये सारे जो नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस हैं या नेगेटिव विचारधारा है या नेगेटिव या ओछी सोच है वो आपके दिमाग में है, आपको इमीडिएटली उसके ऊपर काम करना है और इन सारी चीज़ों को आपने अपने दिमाग से निकाल देना है। अब जब निकालोगे आप दिमाग से, तब क्या होगा कि आप अपने आप से सोचना शुरू करोगे, आप अपनी सोच के हिसाब से चलना शुरू करोगे, दूसरे आपको गाइड नहीं करेंगे, दूसरे आपको चलाएंगे नहीं, हाँकेंगे नहीं। सो वो एक इमीडिएट परिवर्तन या इमीडिएट फर्क आपको दिखेगा। अब जब दिमाग से ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस या डिसबिलीफ निकलना शुरू होगी, तो दिमाग में, मन में आपके जो प्रोडक्टिव या पॉजिटिव थॉट्स हैं वो आपने बनाना शुरू करना है। अब उसके लिए आप कॉन्फिडेंस एक आप में बनाना है। अब जैसे फिर ये सब्जेक्ट है सोच का, तो अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट है इस तरीके से सोचोगे, तो वो सोच आपकी हर एक्शन, हर एक एक्टिविटी पे इम्पैक्ट करेगी। कि अगर आप कॉन्फिडेंटली सोच रहे हो, तो आपका उठना बैठना, आपके स्वभाव में, आपके चेहरे पे, आपके मुख पे वो कॉन्फिडेंस दिखना शुरू होगा और आप स्माइल करना शुरू करोगे। तो जब जैसे आप स्माइल करना शुरू करोगे, तो ऑटोमेटिकली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आसपास में घूमता हुआ आपको दिखेगा। दूसरा, आपका जो एक एटीट्यूड है, एटीट्यूड मतलब एक आपका स्वभाव, बॉडी लैंग्वेज के तौर पे, चेहरे के लैंग्वेज के तौर पे, वो आप एनर्जाइज कर दोगे, वो आप एक एक्टिवेटेड मोड में आ जाओगे। और जैसे वो आओगे मतलब ये प्रोसेस शुरू हुआ है, इसको आपने निरंतर प्रैक्टिस करना है, इसको आपने निरंतर एक्शन में रखना है, एक्शन में लाना है, और आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे, तो बहुत नेचुरल हो जाता है कि जिनसे आप संपर्क करते हो या जो लोग आपसे संपर्क करते हैं वो भी आपको इम्पोर्टेंस देंगे। अब अपने आप को, ये नहीं कि आपके खुद के गुणगान इतने करते रहो कि लोग बोर हो जाएं, पर आप मौके पे अच्छे शब्दों में, कम शब्दों में अपने आप को अप्रिशिएट करें, लोगों को आप ज़्यादा अप्रिशिएट करें, उनके अपीयरेंसेस के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके आइडियाज़ के बारे में, उनके एक रेगुलर एक रैपो के बारे में। दूसरा, लोगों को आप उनके पहले नाम से बुलाएं, क्योंकि खुद का जो नाम होता है वो किसी भी व्यक्ति को सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति ने अगर कोई अच्छा काम किया है, तो आप उसको उसको सराहें, उसकी एक्शन को सराहें, उसको क्रेडिट दें। और ये करने से क्या होगा कि वो व्यक्ति का इंटरेस्ट आप में भी थोड़ा सा बढ़ेगा, कि वो कहे ये व्यक्ति देखो मेरा मतलब ऑब्जर्व कर रहा है और मुझे एक्नॉलेज भी कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक रैपो बनना शुरू होगा। और कभी भी एक भाव रखें कि भाई मुझे देना है या मुझे सर्व करना है, या मुझे लोगों को अगर मैं काम आ जाऊं या लोगों को मैं हेल्प कर दूं, प्रैक्टिकली ये नहीं कि आप फुल सेवा भाव में चले जाएं तो फिर आपका घर कौन चलाएगा, ऐसे नहीं। पर जिनके साथ में आपका संपर्क है, जिनके साथ में आपका व्यवहार है, उनके लिए आप एक समर्पण का भाव रखें। और इसके बाद एक विचारधारा ये है कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं सक्सेसफुल हूँ। इस तरीके से आपने कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करते रहना है, कॉन्स्टेंटली 2400 घंटे। तो ये जब सोच है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, जब आप अपने आप को ये बार बार कहोगे, 2400 घंटे कहोगे, तो आपके विचार जो हैं आपके बारे में, आपकी प्रेजेंस के बारे में, आपके एक्टिविटी के बारे में, आपके आगे बढ़ने के बारे में बहुत सपोर्टिव, बहुत सक्सेसफुल होंगे।
अब जब आपने अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया, अब जब अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया, तो आपने अपनी थिंकिंग को, आपने देखो ऑब्जर्वेशन, पहला जो कहा कि नेगेटिव सोच को हटाना है और सोच के चलते जो उसके सब पार्ट है उनको हटाना है। दूसरा कवर अप ये होता है कि वो जब खाली होता है दिमाग, तो उसको आप पॉजिटिवली भरें विचारों से, सही है। अब जब विचार आपके 24 आवर्स 24 घंटे पॉजिटिव है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को सक्सेस की ओर आगे बढ़ा रहे हो। अब आपने क्या करना है, जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनके साथ में आपका व्यवहार हो रहा है, व्यवहार चल रहा है, उनके बारे में पॉजिटिव सोचना है, उनके बारे में आपने उनके व्यवहार के, उनके रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव सोचना है। और ये पॉजिटिव सोचते हुए आपने फिर फ्रेंडशिप्स बढ़ानी है, से मोर नंबर ऑफ फ्रेंड्स, और जो उन नंबर ऑफ फ्रेंड्स में से जो अच्छे, जो आपकी वेवलेंथ, विचारों की वेवलेंथ मिलते हैं, उनके साथ में आपने और फ्रेंडशिप को थोड़ा सा गहराई करना है, एक आपका नेटवर्क या एक आपका सर्कल बनाना है। अब आपको जेन्युइनली उनमें इंटरेस्ट लेना है, एक लिमिट तक, एक सीमा तक, ये नहीं कि आप उनके पूरे पर्सनल डोमेन में चले जाएं, बट एक लेवल तक आपने इंटरेस्ट रखना है, ताकि उनको लगे कि भाई ये व्यक्ति मेरे कामकाज में, मेरे में इंटरेस्ट रख रहा है, तो यकीनन ये व्यक्ति दोस्ती करने लायक है, अच्छी दोस्ती करने लायक है। और जब ये ग्रुप सर्कल बनता है, तब आपकी जो ताकत है, आपकी जो एक पर्सनालिटी है, आपका जो एक स्टैंडिंग है, वो एक अलग होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। अब इसके फिर और तरीके हैं कि, और तरीकों में ऐसा है कि आपने पूरा एक ह्यूमन टच, एक ह्यूमन एलिमेंट, एक एनर्जी लेवल आपने बना के रखना है, एक मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि मशीनी तौर पे बस हाय हेलो किया या एक मशीन जैसे जवाब देता है या सुनता है, वैसे नहीं करना है। एक जो इमोशनल, एक जो भाव है आपके व्यवहार में आना चाहिए। उसके बाद आता है आपका खुद का आउटर अपियरेंस, जैसे आपने कपड़े, आपके आपकी खुद की ग्रूमिंग, एक उसको आपने ठीक करना है, उसको आपने फोकस्ड बनाना है। ये नहीं कि आप से ऑफिस में जा रहे हो या आप एक मीटिंग में जा रहे हो और वहाँ पे आप जैसे बीच पे हम जाते हैं वैसे कपड़े पहन करके अगर आप वहाँ चले गए, तो वो मिसमैच हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो ग्रूमिंग सिर से लेके पैर के नाखूनों तक आपने कपड़े हैं से शेविंग है, अगर लड़कियां हैं तो उनका बेसिक मेकअप हो गया, या आपके फुटवेयर हैं, ये सारा एक आपने सुधारना है, उसको आपने एक मेंटेन करके चलना है। तो होगा क्या है कि आपने जैसे इस अपने आप को एक प्रॉपर ढांचे में, सांचे में कर लिया, तो फिर वो जो सर्कल है, वो जो आपका नेटवर्क है, वो भी एक 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 अलग चाम, एक अलग उसका उठाव आएगा। और जब ये एक लेवल पे आप आए हो, फिर ऐसा भी होगा कि आपके कोई मेंटोर होंगे, आपके कोई गुरु होंगे, आपके कोई इंस्पिरेशन होंगे उसी नेटवर्क में से या उस नेटवर्क के बाहर, तो आप वैसे व्यक्तियों से कॉन्वर्जेशन करें, उनसे सलाह लें, उनसे एडवाइस लें, ना कि रेगुलरली इस तरीके से, बट कहीं अगर अटको आप या कहीं कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, तो आप उनसे आइडिया या कंसल्ट ले लें। जो मेंटोर होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो हमेशा हमेशा देने में मानते हैं, तो फॉर श्योर डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस या रास्ता ज़रूर देंगे। दूसरा, जो उसके नीचे जो आपके इक्वल लेवल के हैं, जो आपके जैसे हैं या आपके एक लेवल पे चल रहे हैं, उनके साथ में आप अपनी दोस्ती बनाए रखें, और जैसे मैंने कहा कि दोस्ती बढ़ाएं इन नंबर्स एंड इन क्वालिटी। तो एक पीरियड ऐसा आएगा जब आपने नंबर्स भी बढ़ाने, बट नंबर्स फिर एक तालमेल के साथ बढ़ाने, ये नहीं कि हर एरे गहरे नथु गहरे को आपने एक दोस्त बना लिया जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है और आपका टाइम वेस्ट कर रहा है या आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, ऐसे नहीं। उस व्यक्ति ने आपसे सीख करके अपने आप को लेवल बढ़ाना चाहिए, तब आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पे पड़ा, ना कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़े। तो ये एक आपको ध्यान रखना है। और
ये सब करते हुए एक चीज आपने बहुत ध्यान रखना है कि आप कभी भी गॉसिप ना करें, कंडेम ना करें, या कोई नेगेटिव कॉन्वर्जेशन में पार्ट ना लें। इससे आपकी जो एक इमेज है, आपकी पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट है, आपकी एनर्जी है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी और ज़रा भी देर नहीं लगेगी। तो आपको सतत कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव माइंडसेट वाले दायरे में रहना है। अब देखो, आप पहले नेगेटिव थे, फिर पॉजिटिव भरा, फिर आपने नेटवर्क बिल्ड करा अपने आपके गुरु या पी जो साथ में थे उनके साथ, तो आप अब और खुद की ड्रेसिंग को ग्रूम करा या खुद को ग्रूम करा, अब आप यहाँ तक पहुँच गए हो। इसके बाद आपकी जो एक्शंस हैं, आपने ये स्टेज क्यों अचीव करा? क्योंकि आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो पहले अपने आप को आपने तैयार किया। अब वो तैयार करने के बाद आपको और ज़्यादा काम करना है। अब ज़रूरी नहीं है फिजिकली करें, आपको मेंटली करना है, इमोशनली करना है, थोड़ा सा फिजिकली करना है, बैलेंस करके करना है। पर क्योंकि आपने अपने आप को एक कैपेबिलिटी वाला इंसान बनाया है, उस कैपेबिलिटी को अब टाइम आया है काम पे लगाएं, अब टाइम आया है उससे और ज़्यादा काम लें। तो यहाँ पे शुरू होता है कि आप बड़ा सोचना शुरू करें। अब क्योंकि आप नेगेटिव माइंडेड थे, वहां से आप यहाँ पे आए, अब यहाँ से आप की जिम्मेदारी बनती है कि आप बड़ा सोचें, बड़ा काम करने का एंगल लगाएं। तो बड़ा सोचने के लिए आपकी एक माइंडसेट जो है, या आपके जो एक टाइम टेबल है, या आपका एक स्केड्यूल है, उसमें एक समय ऐसा कि आप एकदम ध्यान धरें और बड़ा सोचें। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत जल्द सुबह उठते हैं, मेडिटेट करते हैं, और उस मेडिटेशन के दौरान दिमाग को शांत करते हैं, और उस मेडिटेशन के बाद और एक टाइम देते हैं जहाँ पे वो बड़ा सोचते हैं। और ये सोच वाइल्ड हो सकती है, काफ़ी इमेजिनेटिव हो सकती है, एक डिफरेंट लेवल पे हो सकती है। दूसरा, उसके बाद जब ड्यूरिंग द डे में आप अपनी जो कॉन्वर्जेशन हैं, आपकी जो बातचीत आप करते हो लोगों से, तो उसमें आपकी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, काफ़ी चीयरफुल वर्ड्स आपने, फ्रेजेस आपने यूज करने चाहिए, और आपकी बातों में, आपके व्यवहार में एनर्जी झलकनी चाहिए, बहनी चाहिए, एनर्जी दिखनी चाहिए। किस कोई भी अगर आज आपकी तारीख, आज की तारीख में अगर आप देखो कि कोई बड़ा सा अगर कोई फिल्म स्टार है, या बड़े से कोई अगर लीडर है पॉलिटिक्स में, या कंपनी के कॉरपोरेट के सीईओज हैं, या कोई बिजनेस ग्रुप के लीडर हैं, तो उनके आप उनको आप देखोगे और आपको 440 का करंट लगता है कि यार इस व्यक्ति में इतना पावर कैसे। तो वो जब आप देखते हो, वो जो आपको दिखता है उसके पीछे, ये जो अभी स्टेप्स जो अभी तक मैंने बताए, ये स्टेप्स उन्होंने सालों साल प्रैक्टिस किए हुए होते हैं, और वो फिर उस लेवल पे पहुंच जाते, और उनका जो जीना है, उनका जो जीवन है, वो 2400 घंटे वो हाई पावर्ड जोन वाले फ्लो में चलता है। अब बड़ा सोचना, अगेन, जैसे आपने नेगेटिव सोच से लेकर यहाँ तक आप पहुंचे हो, तो किसने रोका आपको? किसी ने रोका नहीं। जो था आपके मन में था, नेगेटिव भी आपके मन में था, पॉजिटिव भी आपके मन में था, मन में है, और जो बड़ा सोचना है वो भी आपके मन में है। तो एवरीथिंग इज इन योर माइंड, एंड देर इज अ सेइंग, इफ यू सी इन योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। तो आप जो सोचोगे आप वो कर पाओगे, बट ये है कि सिर्फ सोच को सोच के तौर पे सीमित ना रखे हुए उसके ऊपर एक्शन करना जरूरी है, और वो आपने करना जरूरी है क्योंकि आपने सोचा है, और आपको एक्शन कोई रोकेगा नहीं। अगर रोकेंगे हर्डल्स आएंगी, बट आपको उसको पार करना है। उसके बाद है कि आप अपने आप को रोज इम्प्रूव करने का भी एक डिसिप्लिन आपने रखना चाहिए कि जो मैंने कल किया उसको मैं आज कैसे और बेटर कर सकूं, या आने वाले कल में मैं कैसे और इसको बेटर कर सकूं। और बेटर करने का तात्पर्य यह है कि आप खुद तो करो ही बेटर, पर आप जिनसे जुड़े हुए हो आप उनको भी इम्प्रूव करवाओगे। वो हो सकता है आपके एम्प्लॉयज हो, वो हो सकता है आपके पार्टनर्स हो, वो हो सकता है आपके से हायरार्की में बड़े लोग हो, पर आप की प्रेजेंस
का उनको हमेशा एक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि यार ये व्यक्ति से मैं बात करूं, इस व्यक्ति से बात करने से ना मेरे को कुछ आइडिया आती है या कुछ मेरे सोच चेंज होती है या मुझे मजा आता है बात करने का। इस तरीके से आपका एक पर्सनैलिटी आपने होनी चाहिए। अब ये करते करते देखो आप अपने आप को फिर ऊपर थोड़ा सा उठा रहे हो और एक लीडर के तौर पे अब आपने सोचना कहीं शुरू कर देना चाहिए। और जो लीडर लोग होते हैं, जो उनकी जो सर्कल होती है, उनकी जो कम्युनिटी होती है, उसमें आप वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, वैसा अगर आप सोचना कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली शुरू कर दोगे। और वो ये अब और एक स्टेज आप लेवल पे आ गए हो और वहां पे सोचना, इम्प्रूवमेंट करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों की कम्युनिटी का पार्ट होना, ये सब एक लेवल पे है। इसके आगे आपने सक्सेस पाने के लिए आपका एक पक्का कॉन्क्रीट प्रोग्राम बनाना चाहिए कि भाई आज से मैं 4 साल 5 साल में क्या होऊंगा या मैं 10 साल में कहाँ होऊंगा और वो 10 साल में मुझे पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। हर साल आपको टाइम के हिसाब से एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, आपको एक्टिविटी के हिसाब से टाइम देना पड़ेगा और ये हर एक गोल सेट करना पड़ेगा आपको स्टेप बाय स्टेप। और ये गोल को आपने लिख के रखना है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये करना है और ये करने के लिए मुझे ये चीज़ों का होगा। और वो जो आपकी लिखावट है वो आपने पढ़नी होगी, तो वो जो लिखावट है आपको खुद को बताएगी कि भाई आपने ये लिखा था और आपको इस समय यहाँ पे जाना है, आपको इस समय ये करना है, आपको इसे, तो ये एक रोड मैप आप खुद के लिए बनाओगे। और जहाँ जहाँ पे भी ये रुकावटें आएंगी, उस रुकावटों को आपने पॉजिटिव्स में चेंज करना है। कैसे करना है, अगेन थिंकिंग पे डिपेंड करता है, अगेन आपकी कॉन्वर्जेशंस पे डिपेंड करता है, अगेन आपकी फास्ट एंड स्मार्ट थिंकिंग पे डिपेंड करेगा कि उस समय आप उस व्यक्ति को, उस रुकावट को, उस हर्डल को, उस प्रॉब्लम को कैसे टर्न अराउंड करते हो। ठीक है, लास्ट के जो एक बात होती है, कुछ चीज जैसे कहावत है कि कल करे सो आज करे सो अब, तो वो चीजें जो आज का काम है, जो अभी का काम है, उसको अभी करना है। एक्शन, आप एक्शन को एक जीवन मंत्र बना लो कि भाई ये काम करना, हाँ कर ले ये काम करना, क्योंकि जब काम करोगे तो रिजल्ट आएगा, काम नहीं करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और कभी भी परफेक्ट कंडीशंस के लिए वेट ना करो, कंडीशन या जो सिचुएशंस है वो कभी परफेक्ट नहीं होती, आज तक नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। जैसे जैसे है वो इम्प्रूव होगा, वो इम्प्रूव होगा और वो इम्प्रूव आपके एक्शन से होगा। जो सिचुएशन है, जो टर्न अराउंड करोगे तो वो आपके एक्शन से होगा, ना कि अपने आप हो जाएगा। अगर सारी चीजें अपने आप होती तो फिर ये सब बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ चीज़ों जो है उसको मैकेनाइज करना है, ऑटोमेट करना है, कुछ चीज़ों को आपने दिमाग की स्ट्रक्चर की, थॉट प्रोसेस की एक्शन लगा करके उसको अभी 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 एक्शन में लाना है। ये नहीं मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, मैं पहले ये कर लूँ फिर वो करूँगा, वो आपकी कमिटमेंट है आपके प्रति, आपके गोल के प्रति, आपके रोड मैप के प्रति, जो आपको एक्शन में लानी है। और एक्शन में लाओगे, एक्शन करोगे तो रिजल्ट आएगा। और खुद को पहला कदम बढ़ाना है, तो जब आप पहला कदम बढ़ाओगे तब अपने आप दूसरा कदम बढ़ेगा और फिर ये आगे चाल बनती जाएगी और लोग जुड़ते जाएंगे और कारवां बनेगा और तब आप अपनी जो डेस्टिनेशन है, जो गोल है, जो एक एक गोल पोस्ट है या माइलस्टोन है, वहां पे आप पहुंचोगे। तो इस बुक में, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में, डेविड साहब ने ये बातें लिखी हैं और ये मैंने पॉइंट्स वाइज या एक मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताई हैं। मैं अगर आपको ये बुक पसंद आती है तो मैंने नीचे
लिंक दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शंस में, आप ऑनलाइन इस बुक को बाय कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में है ये, और पढ़ें इसको, बार बार पढ़ें, ये आपकी थिंकिंग को अवश्य 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 ही चेंज कर देगी। हाँ, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है तो आप शायद ये वीडियो सुनते नहीं, देखते नहीं। तो मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, और आप ज़रूर से आगे बढ़ें और बहुत काम करें और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, शुभ मंगल कामना।